हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्रेकफास्ट में मैंने घुगनी बनाया है, येलो मटर का घुगनी बनाया है और यहाँ पे चौकड़ी पीठा, जो सेम डोसा का जो बैटर होता है वैसे ही बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोटा बनता है। डोसा पतला बनता है और ये थोड़ा सा मोटा बनता है। तो बस ये आज का ब्रेकफास्ट। और कल का व्लॉग आपने नहीं देखा हो बट सावित्री का, तो वो जाके देख लीजिए। बोलो किधर बुला रहे? ओ इधर है। ऑफिस जाने के लिए पंकज निकले थे बट नीचे में फिश वाला आया हुआ था, तो पंकज ने फिश लिया, फिर फोन करके बुलाया नीचे आके लेके जाओ। तो यहाँ पे ऐसे साइकिल में फिश भी बेचते हैं, तो ये फिश रोहू फिश लिया है, आज ये बनेगी रोहू फिश। ओ आ जाओ, दिख भी नहीं रहा है, गाड़ी चला रहे हो। आ जाओ आ जाओ। फिश आया है तो इतना फिश बनेगा, इतना बनेगा आज, और बाकी ये रहेगा बहुत है, तो इतना हो जाएगा हम लोगों का, दो दो पीस सबका। दो दो पीस बना दिया है, दो दो पीस, छह ठो बनाया है और बाकी सब रख दिया है। बर्तन पड़ा है इधर इतना सारा, सुबह बनाया था पीछा, उसका सब पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा जा रहे हैं मार्केट, मार्केट नहीं जा रहे हैं, एटीएम ही जा रहे हैं थोड़ा सा कैश निकालने के लिए। गैस आएगा, आज मैसेज आया है, वो कैश लेता है, गूगल पे भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करता है, तो कैश लेगा, इसलिए जा रही हूँ बस। पास में टोटो में रिक्शे में जाऊंगी, रिक्शे में आ जाऊंगी कैश लेके, कभी भी आ जाएगा। अभी मैसेज आया ना, गुल्लू है, सैटरडे है तो गुल्लू है, तो चलिए पहले लेके आती हूँ कैश, धूप भी बिल्कुल नहीं है तो फटाक से जाके फटाक से आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। भिंडी काट दिया है, इतना और नहीं काटूंगी, इतना हो जाएगा भिंडी काटा है। फिश इधर फ्राई हो रहा है, यहाँ पर फिश का मसाला बन रहा है, फिश का ग्रेवी बनेगा, झोल बनेगा फिश का, तो यहाँ पे मसाला बन रहा है बस, और यहाँ पे फिश फ्राई हो रहा है। तो चलिए बनाती हूँ पहले। गुल्लू तो इधर बैठ के अपना टीवी देख रही है, सेंटर टेबल मैंने हटा दिया है साइड में क्योंकि वो बार बार बदमाशी करती है, ये देखो देख रही है बैठ के यहाँ पे टीवी अपना। लंच रेडी हो गया है, फिश करी बनाया है यहाँ पे, भिंडी फ्राई बनाया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा झींगा बचा हुआ था तो झींगा को थोड़ा मसाला देके वो भी कोशा कोशा बना दिया है, और एक एक पीस झोल में डाला था और एक एक पीस फ्राइड रखा है फिश का। खाना खाने के बाद लास्ट में आइसक्रीम, ये वेनिला है वो स्ट्रॉबेरी है, मुझे भी दो एक स्पून। गुल्लू के लिए दूध और चॉकलेट, आज चॉकलेट काफी दिन से रखा हुआ था, मैंने दिया नहीं था उसको। बारिश आई क्या गुल्लू? गुल्लू हो रही है, आ गई बारिश। गिर रहा है क्या? ठीक है, आप ये पी लो जल्दी से। अब पहले दूध उसके बाद चॉकलेट, फिर आज अम्ब्रेला लेके ट्यूशन जाना पड़ेगा। चॉकलेट रख दो पहले, पहले दूध उसके बाद चॉकलेट, ठीक है चलो। गुल्लू गई है ट्यूशन, तो उतने टाइम में मैंने उसके लिए एक केक बनाया है और उसको उल्टा करके रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर का तरफ जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है ना, तो मैं उसको टर्न करके नीचे की तरफ में बनाती हूँ जो भी डेकोरेशन करना होता है।
तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर पाउडर डस्ट किया है और उसके बाद स्प्रिंकलर्स जो हैं वो सब ऐड कर दे रही हूँ। तो बस ये बन जाएगा ऐसे ही। तो इजी रेसिपी कैसा होता है केक का, जो घर में जो भी होता है सामान उसी से ही बन जाता है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका रेसिपी दे दूँगी। बहुत ईजी है, घर में जो चीज़ होता है उसी से होता है और बिल्कुल बेकरी का केक जैसा होता है बिल्कुल सेम टेस्ट ही देता है। मैं एसेंस भी कोई यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं कभी कभी एसेंस यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस उसके बाद गोलू आई ट्यूशन से, तो पढ़ाई कर रही थी उसके लिए मैं ये केक लेके आई, तो वो ये काटेगी इसके लिए। वो खुश हो जाती है कि वो केक काटती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो जब भी मैं केक बनाती हूँ तो उसको ही काटने के लिए देती हूँ। आज किसी का बर्थडे नहीं है, दिखाओ कितना टेस्टी बना है, फ्लफी बना है कि नहीं, दिखाते हैं। हाँ देख, पूरा फ्लफी बना है। ओ, 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 पूरा फ्लफी दिखाओ, वैसे दिखा देते हैं, पूरा फ्लफी बना है, पूरा फ्लफी, पूरा फ्लफी बना है। टेस्टी लगा कि नहीं? चाकू दे दो, आप चाकू दे दो, चाकू नहीं करते ना, फ्लफी बना है। खाऊंगा, लाइट की तरफ करके दिखा दो कितना फ्लफी बना है, पूरा फ्लफी। मैं खा पाऊंगा?